हेलो जा रहे हिस्ट्री का चैप्टर जिसको बोलते हैं इन द अर्लीस्ट स्टेट और वन शॉट में बहुत सारे कंप्लीट करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड पहला क्वेश्चन आता है हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन दरप्पन सिविलाइजेशन ऐसे कैसे पता लगा आर्कियोलॉजिस्ट को कि हरप्पन सिविलाइजेशन जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट और फर्स्ट सिविलाइज पाई गई थी वहां तो पे क्लॉथ यानी कपड़े का आ, क्या होता है यूज होता है एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ हैव बीन फाउंड इन अटैच द लिड ऑफ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स और ये देखा गया ये जो कपड़े थे ये किसी पॉट्स के ऊपर बंधे हुए उनको मिलते हैं स्पिडल व्हील्स मिलते हैं जो स्पिंडल वर्ल्स थे बेसिकली वो जो स्पिंडल का क्लॉथ होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं तो ये देखा गया कि ये जो चीज़ें हैं ये कपड़े के लिए ही होती हैं तो इसलिए कपड़ा मिला सो दिस इंडिकेट्स क्लॉथ वॉज यूज इन द हरापन सिविलाइजेशन तो इस समय पता लगता है कि क्लॉथ सिविलाइजेशन में हुआ था मैच द कॉलम कॉपर मिलता है हमें राजस्थान के अंदर कॉपर मिलता है हमें राजस्थान के अंदर गोल्ड मिलता है हमें कर्नाटका के अंदर टिन मिलता है अफगानिस्तान और प्रेशर स्टोन मिलते हैं गुजरात में तो ये सारी चीजें हमें पुराने आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से पता लगता है नेक्स्ट आता है वाईवर मेटल्स राइटिंग्स एंड द व्हील एंड द प्लो इंपॉर्टेंट फॉर द हराप अब हरापन्स के अंदर यानी जो हरापन सिविलाइजेशन था उसके अंदर अलॉट ऑफ थिंग्स मिली जिसमें था मेटल्स से राइटिंग्स थी व्हील्स से प्लो था और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों थी चलिए जानते हैं मेटल्स वर यूज फॉर कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेकिंग टूल्स अब जो मेटल है स्पेशली कॉपर एंड ब्रॉन्स ये टूल्स बनाने के लिए काम आते थे यानी कि वेपेंस और ऑर्नमेंट्स वेसल्स खासकर जो गोल्ड है और सिल्वर है वो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स के काम आते थे ठीक है जो महंगे वाले हमारे मेटल्स थे वो ऑर्नामेंट्स के काम आते थे और जो थोड़े से उससे महंगे नहीं हैं तो वो काम आते थे टूल्स के लिए और प्लो के लिए राइटिंग हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो यानी जो राइटिंग है उसे कम्युनिकेशन होता था तो इसलिए राइटिंग बहुत ज़्यादा हो पाई गई थी इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर हरापन ऑल्सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अब व्हील व्हील कार्ड्स और पॉटरी के लिए यूज होते थे तो ओली मैं जो व्हील्स यूज किया था तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो पॉट्री और कार्ड्स के लिए यूज होता पॉटरी यानी जो व्हील चक्का घुमाते उससे ही पॉट्स बनते हैं उससे ही कुछ यूटेंसिल्स बनते हैं और कार्ड्स के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह के ट्रांसपोर्टेशन द प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉयल एंड प्लांटिंग द सीज अब जो प्लो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज़ होता था ताकि जो अर्थ की फ़र्टिलिटी है वो मेनटेन हो सके और जो अर्थ के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो भी हम उसको मेंटेन कर सके फॉर दी एग्रीकल्चर पर्पस तो इसलिए सारे चीज़ें हरापन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थी अब बेसिकली क्या है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन दिस लेसन व्हिच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव प्लेइंग द मोस्ट अब ये सारे टेराकोटा से बने गए हैं टॉयज टॉय कार्ट है टॉय प्लो है टेराकोटा है तो लोग बच्चों ने खासकर टॉय कार्ट से ही प्ले करने की कोशिश की होगी क्योंकि प्लो से उनको कोई काम नहीं है या फिर टेराकोटा के एनिमल से भी वो प्ले कर सकते थे मेक अ लिस्ट ऑफ व हरप्पन्स एट एंड पुटा टिक मार्क अगेंस्ट थिंग यू टूडे सो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ठीक है यह अपने हिसाब से आप कर सकते हो कि आपके हिसाब से हराप्पन्स क्या खाते थे और आप क्या खाते हो तो ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी जो आप कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फूड आइटम्स ईटन इटन बायप्पन्स जो आप खाते वो तो आप ही को ही पता है यू कैन मेक इट सब्जेक्टिव जो हरप्पन खाते थे उनका हम वर्णन कर सकते हैं हरप्पन्स में देखा गया वो वीट खाते थे बारले खाते थे दाले खाते थे पीस खाते थे राइस खाते थे सीसम खाते थे खाते थे मस्टर्ड खाते थे एंड फ्रूट्स खाते थे ये सारी चीजें हरप्पन्स के द्वारा खाई जाती थी तो आप खाते हो इसमें से वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो नेक्स्ट आता है विद द नेक्स्ट क्वेश्चन डो यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड होर्डर्स हु सप्लाइड फू टू हरापन सिटीज़ हुफरेंट फ्राम दट ऑफ फार्मर्स एंड होर्डर्स यूर इट अबाउट इन चैप्टर थ्री यानी कि इसके बाद वाले चैप्टर जो हम पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि पहले के बेसिकली हमें डिफरेंस बताना है कि जो पहले के फार्मर्स और होर्डर्स थे यानी कि जो हरपन में फार्मर्स थे और जो हंटर्स एंड कैदर्स के, के बाद जो हर्डर्स आए क्या उसमें डिफरेंस है येस सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बीन बिटवीन द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड होर्डर्स हुईड टू हरप्पन चैप्टर बेसिकली कहीं ना कहीं हम डिफरेंस बता रहे हैं तो टूल्स में डिफरेंट था सबसे पहले हरप्पन फार्मर्स एंड होर्डर्स यूज वुडन टूल ठीक है यहाँ पे वुडन टूल्स था लेकिन आपको पता है बाद में जाके ये टूल्स किसके हो गए थे आयर्न के बन गए थे ठीक है द अर्लियर फार्मर्स एंड होर्डर्स यूज मोटर्स एंड पेस्टल फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन दैट टूल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ बोन और इससे पहले के वो बोन से बने थे फिर टूल्स वुडन के बनने लगे उसके बाद वो अगर हम आगे के चैप्टर्स में जाएँ तो वो आयरन के बनने लग गए नेक्स्ट आते हैं इरीगेशन हरप्पन फार्मर्स एंड हॉर्डर्स यूज इरीगेशन फॉर बेटर प्रोड्यूस वाइल द अर्लियर वन डेट नॉट अब इनसे पहले जो थे वो बिल्कुल भी इरीगेशन का इस्तेमाल नहीं करते नेचुरल जो पानी रिवर आ रहा है वही वो, वो इस्तेमाल करते थे स्टोरेज के लिए हरप्पन फार्मर्स टोर

टाइम्स uh, जब हम बात की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है हम चैप्टर थ्री की बात करते हैं ठीक है हर्डर्स इन चैप्टर थ्री तो बेसिकली वहाँ पे उनके पास सेटलमेंट नहीं था लेकिन यहाँ पे वो सेटल्ड uh, होना शुरू हो गए थे ओके चलिए नेक्स्ट आता फिर इन द ब्लैंक्स द ग्रेट बाथ हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो तो मोहनजोदारो के अंदर आई थिंक आंसर लिखा हुआ है यस आंसर लिखा है मोहनजोदारो में में ग्रेट बात पाई गई थी यानी कि ये कोई रिचुअल सेरेमनी हो सकती है या स्विमिंग पूल टाइप ऑफ थिंग हो सकती है जहाँ पे लोग नहाते थे मोस्ट सिटीज़ हैज वेस्टर्न पार्ट डैश एंड डैश तो बेसिकली स्मॉलर और हायर एक ऊपर वाली जगह होती थी और एक लोअर वाली जगह होती थी तो ये वाला चीज़ भी कहीं ना कहीं सही है स्मॉलर एंड हायर वेस्टर्न पार्ट विच ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ पीपल डिड नॉट यूजअली लिव इन सिटीज़ बट द कंट्री साइड तो ऐसे कौन से थे जो कंट्री साइड में रहते थे और सेटलमेंट एरिया में नहीं रहते थे तो ये होते थे फार्मर्स एंड हर्डर्स ठीक है ये कंट्री साइड यानि कि रूरल एरिया लगा लो या फिर ये लगा लो कि साइड पर रहते थे ये बीच में नहीं रहते थे नेक्स्ट आता है द एलॉय ऑफन एंड दैश इज कॉल्ड ब्रोन्ज तो बेसिकली हम यहाँ पर कॉपर की बात कर रहे हैं ऑफन एंड कॉपर डैश इज कॉल ब्रों कॉपर है जिसको हम ब्रोन्स की उसे बोलते एलॉय बोला जाता है द सिटी ऑफ लोथल वॉल सिचुएटेड बिसाइड रिवर विच वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर ठीक है साबरमती रिवर की क्या थी वो ट्रिब्यूटरी थी लोथल की साइड की बारे में बात हो रहा है वट कॉज दी एंड ऑफ हराप्पन सिविलाइजेशन अब हराप्पन सिविलाइजेशन इतना बढ़िया चल रहा था सब कुछ अच्छा था सेटलमेंट हो रही थी उन्हें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई लेकिन एंड में उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हो या फिर वो ख़त्म कैसे हो गई तो आंसर है रीजन्स अन नोन टू अस बट प्रॉबली दो लिस्टेड इन अदर थ्री हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हो गया हो रूलर्स लॉस कंट्रोल फ्लडिंग कुछ भी हो सकता है बट वी वर नॉट क्लियर यू आर्क्योलॉजिस्ट क्लियर नहीं है कुछ भी इसका रीजन हो सकता है दैट वॉज जैसे कि क्लास अगर हम बात करते हैं तो लाइक like

मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर were यूज टू मेक ornaments एंड वेसल्स तो गोल्ड और सिल्वर से ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाए जाते थे मोस्ट और अपन सील्स और मेड ऑफ स्टोन जो सील्स होती थी उस टाइम पे, तो वो स्टोन से बनी होती थी Archaeologists have फाउंड स्पिंडल व्हील्स मेड ऑफ टेरेकोटा एंड faience. Faience एक ऐसी भट्टी टाइप होता था जिससे ये सारी चीज़ें बनती थी नेक्स्ट स्पिंडल वर्ल्स वर यूज टू स्पिन थ्रेड स्प्रेड यानी कि थ्रेड uh, uh, यानी कि जब भी आप कपड़ा बना रहे हो तो उसके लिए आपको स्पिंडल चाहिए होता है तभी आप थ्रेड 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 से कपड़ा बना सकते हो तो वो स्पिन थ्रेड थ्रेड को स्पिन करने के लिए होता था ताकि कपड़ा बन सके अ टूल कॉल्ड सॉरी द हरापन्स गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान हराप्पन्स कॉपर लाते थे कहां से आज के टाइम पे वो राजस्थान कहलाता है अ टूल कॉल डैश व्यूज टू डग दर्थ फॉर अटर्निंग दॉय एंड प्लांटिंग इसको प्लो बोलते थे ठीक है डैश मस्ट है फार्मर सिंस द रीजन ऑफ हराप्पा डिन नॉट रिसीव है तो इरीगेशन होती थी यानी कि उस टाइम पे बारिश उस रीजन में नहीं आती थी सीलिंग्स आर इंप्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले तो सीलिंग्स एक इंप्रेशन होती थी सील से लेकिन सील्स क्ले उससे बनी होती थी थी किस पे स्टोन से बनी होती थी लेकिन किस पे बनाई जाती थी किस पे थप्पा लगाता था क्ले से ठीक है तभी उसका इंप्रेशन बन पाता था ठीक है नेक्स्ट आता ट्रू फॉल्स द ब्रिक्स इन हरप्पा व लेड इन एंटरलॉकिंग पैटर्न दस मेड द वॉल स्ट्रॉग दैट इज ट्रू यूजली द स्पेशल बिल्डिंग वो क्रेड इन द लोअर टाउन नो स्पेशल बिल्डिंग वो क्रेड इन द अपर टाउन जो स्मॉलर था बट हायर था ठीक है तो फॉल्स हो जाएगा हाउस और अप्पा वो पुअरली बिल्ड नहीं बहुत सुंदरली बिल्ड थे तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आंसर हरप्पन सील्स मेड ऑफ मेटल फॉल्स हरप्पन सील्स सील्सा मेड ऑफ स्टोन इसलिए फॉल्स है पीपल न्यू अबाउट कॉटन मचबी फॉर हरप्पा दैट इज ट्रू ऑल रॉ मटीरियल्स और एवर लोकली नहीं जो रॉ मटीरियल्स है वो कहीं ना कहीं बाहर से आउटसोर्स करने पड़ते थे हरप्पा के अंदर भी द हंटर गैदर्स यूज सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन फॉल्स वो नहीं यूज़ करते थे बिकॉज ऑफ हंटर गैदर्स द रेनफॉल वॉज लो इन हरप्पा रीजन दैट इज ट्रू वी आर नॉट श्योर अबाउट वट कॉज दी एंड ऑफ हरपन सिविलाइजेशन हमें नहीं पता हम अनुमान लगा सकते हैं लेकिन वी आर नॉट सो श्योर कि हरप्पन सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई थी ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा है मैचिंग स्किल्स मैच द फॉलोइंग द ग्रेट बात वाज फाउंड इन मोहनजोदारो नेक्स्ट फायर ऑल्टर्स वर इन कालीबंगन ओके देन कॉटन वाज फाउंड इन मेहरगढ़ एन इंपोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू स्टोन शेल एंड मेटल दैट इज लोथल सिटी वाज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स दैट वाज ढोलावीरा ठीक है इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वेन एंड हाउ द साइट ऑफ हरप्पा फर्स्ट एनकाउंटर कब हरप्पा की साइट पहले एनकाउंटर हुई थी अराउंड हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स अगो अगर हम बात करें वन रेलवे लाइन्स आर बींग लेड इन पंजाब जब पंजाब के अंदर रेलवे लाइन्स डाली जा रही थी ठीक है इंजीनियर्स एक साइट ऑफ हरप्पा में पहुंचे उनको लगा अरे भाई ये क्या चीज है तो हरप्पन सिविलाइजेशन ऐसे फाउंड हुआ उसके बाद हाउ ओल्ड सिटीज बिलीव तो भी कर अप्पा कितना पुराना है हर बहुत ज़्यादा पुराना है और बिलीव किया जाता है कि 4700 ईयर्स पुराना है सिटार्डल क्या था वेस्टर्न पार्ट होता था स्मॉलर है लेकिन ऊपर की तरफ होता था उसको सिटार्डल आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला था ठीक है नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फीचर बताओ ग्रेट बात के ग्रेट बात एक लाइन विद ब्रिक्स होता था ठीक है कोटेड विद प्लास्टर मेड विद टाइट नेचुरल टायर से बना था और बेसिकली ये अनुमान लगाया जा रहा था बाई आर्कियोलॉजिस्ट कि यहाँ पे कोई रिचुअल सेरेमनी होती थी या फिर एक स्विमिंग पूल टाइप ऑफ जगह थी जहाँ पे ग्रेट बात यानी कि रिचुअल सेरेमनी में आप डिप करके होलीनेस में देखा गया था इसको नेम टू सिटीज विच हैड फायर ऑल्टर्स तो कालीबंगन और लोथल में फायर ऑल्टर्स पाए गए थे ठीक है नेक्स्ट आता है वाई वो थ्री मे और मेजर कैटेगरीज ऑफ पीपल इन द हरापन सिविलाइजेशन मेजर कैटेगरीज कौन सी थी हराप्पन सिटीज में रूलर्स हुए थे क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे और स्क्राइब्स हुआ करते थे रूलर्स जो रूल करते थे क्राफ्ट पर्सन जो वेसल्स पॉट्स ये सब बनाते थे स्क्राइब्स जो राइटिंग करते थे तो ये तीन टाइप के पीपल हमें दिखते हैं वट वर ऑब्जेक्ट्स इन हरापन सिटीज मेड ऑफ तो किससे बता थे स्टोन शेल और मेटल से बनाए जाते थे ये सारे चीज़ें नेक्स्ट आता है हाउ डू वी नो दैट कॉटन वाज ग्रोन इन मोहनजोदारो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया कि बहुत सारे पीसेस ऑफ क्लॉथ हैं तो इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली कॉटन ग्रो ही की जाती थी जो uh, कपड़े uh, जो पॉट्स होते थे उनके ऊपर कपड़ा रखा जाता था तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि ये बेसिकली क्या है ये कहीं ना कहीं कॉटन uh, यहाँ पे ग्रो की जाती है नेक्स्ट आता है हु व स्पेशलिस्ट इन हरप्पन स्पेशलिस्ट वो होते थे जो ट्रेंड होते थे ठीक है यहाँ पे स्पेशलिस्ट की कैटेगरी उसको दी गई है जो ट्रेंड होते थे टू डू वन काइंड ऑफ वर्क जैसे कटिंग स्टोन में वो uh, Uh, क्या है स्पेशलिस्ट हैं पॉलिशिंग बीज में तो जो इनको काम बहुत अच्छे से आता था उनको क्या बोला गया स्पेशलिस्ट की कैटेगरी दी गई रॉ मटेरियल क्या होता है रॉ मटेरियल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं इधर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स और रॉ मटेरियल्स बाहर से आउटसोर्स किए जाते थे ये अरपन सिविलाइजेशन में नहीं होता था नेम सम फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम वेयर रॉ मटीरियल इम्पोर्टेड तो इम्पोर्टेड यानी कहाँ से ओमान अफगानिस्तान और ईरान से रॉ मटेरियल्स लाए जाते थे ये नहीं होता था ठीक है उसी चीज़ को बनाने के लिए वट वॉज द यूज ऑफ प्लो प्लो किस काम आता था अर्थ को डिग करने का काम आता था उससे क्या होता है टर्निंग ऑफ द सॉइल होती है और सीड्स को प्लांट कर दिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ

फ्रॉम सिंध पीपल मूव इन टू न्यू एंड स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड नॉर्थ तो वेयर डिट पीपल मूव टू और फ्राम सिंध ठीक है सिंध की तरफ मूव क्यों कर गए लोग पीपल मूवड इन टू न्यू ईयर एंड स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ तो साउथ की तरफ चले गए और ईस्ट की तरफ चले गए तो बेसिकली वो सिंध की तरफ चले गए डिस्क्राइब द टू पार्ट ऑफ टिपिकल हरापन सिटी हराप्पन सिटी कैसे होती थी हरप्पन सिटी वॉज टू और मोर पार्ट ठीक है द पार्ट ऑफ द वेस्ट वो स्मॉलर बट हायर जो वेस्ट वाला पार्ट था स्मॉलर हायर था और इसी का नाम हमने सिटाडल डाल दिया था और ईस्ट वाला साइड तो था लोअर था बट हायर था ठीक है तो इसको लोअर टाउन के नाम से जाना था ठीक है लोअर था निकल नीचे की तरफ था और बड़ा था तो इसको लोअर टाउन बोल दिया था आर्कियोलॉजिस्ट सो हाउ आर ब्रिक्स लेट इन द हाउस सिटी बहुत ब्यूटिफुली लेट था सो ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे है लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इतने सुंदर तरीके से उन्होंने ईटें बनाई थी कि वो थाउजेंड ईयर्स तक चली दे वाल एड पैटर्न इंटरलॉकिंग पैटर्न से मेड हुई थी एक इधर एक इधर एक ताकि वो कभी टूटे ही ना दिस मेड द वॉल स्ट्रांग और उससे वॉल स्ट्रांग हो गई मेनी ऑफ दिस ब्रिक्स वर टेकन अवे बाई इंजीनियर्स अबाउट हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स अगो तो इंजीनियर्स को ये ब्रिक्स बहुत सुंदर लगी और बहुत ही मजबूत लगी तो वो ले गए नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब ड्रेन ऑफ दिटीज ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाए गए थे मोस्ट सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन तो ये कवर्ड नाला जो था ठीक है वो कवर्ड था ओपन नहीं था विच शोज की बहुत सुंदर तरीके से ये गावड आउट थी पूरी इंटायर सिटी दे वार लेड आउट केयरफुल इन स्ट्रेट लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स ईच ड्रेन हैज अंटल स्लोप स्लोप था ताकि वो अच्छे से ड्रेन हो सके दस वाटर houses फ्लो connected थ्रू इट the एंड and वो कनेक्टेड टू ऑन the bigger ones. तो so, घर के अंदर से भी ड्रेन्स जाते थे वो भी कवर थे और अंदर क्राफ्ट कैसे प्रैक्टिस होता था हरप्पन ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि, कि किस तरीके की वो क्राफ्ट करते थे मेटल स्टोन और शेल ऐसे तीन पदार्थ होते जिससे वो क्या करते थे जिससे वो अपनी क्राफ्ट बनाते थे कॉपर एंड ब्रॉन्ज व्यूज टू मेक टूल्स ठीक है तो कॉपर एंड किस किस इस्तेमाल आते थे टूल्स के लिए और वेपन्स के लिए और ऑर्नामेंट्स के लिए एंड वेसल्स के लिए गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स के लिए और वेसल्स के लिए ऐसा नहीं है सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनते थे ऑर्नामेंट्स ब्रॉन्ज और कॉपर के बनते थे लेकिन जो कॉपर के बन रहे हैं और जो सिल्वर uh, uh, के बन रहे हैं और जो ब्रॉन्ज के बन रहे हैं वो आम आदमी इस्तेमाल करता गोल्ड और सिल्वर के किंग्स इस्तेमाल करते थे ओके देन वी हैव हरपन आल्सो मेड स्टोन सील्स सील्स जो थी वो स्टोन की बनाई जाती थी देवर दे मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन और ब्लैक डिजाइन के वो पॉट्स बनाते थे यानी कि जो वेस्टल्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है ओके okay. हर अपन गॉड द रॉ मेटीरियल ये मैंने बता दिया आपको इंटरनेशनल साइट से बनाते थे ओमन से बनाते थे हरपन गॉड द रॉ मेटीरियल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस प्रेजेंट डे कॉपर आता था प्रेजेंट डे राजस्थान के अंदर से ठीक है ओमन से आता था दे ब्रॉट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान ठीक है टिन जो होता था अफगानिस्तान और ईरान से आता गोल्ड जो होता था वो कर्नाटका से आता और प्रेशियस स्टोन्स व्रॉड फ्रॉम गुजरात ईरान एंड अफगानिस्तान तो ये सारी जगहों से कुछ इंटरनेशनल है और कुछ आसपास की जगह से सामान आता था और इसको रॉ मटेरियल भी बोलते हैं नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लोथल सो लोथल वो अ सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ टिब्री ऑफ साबरमती रिवर साबरमती के बैंक पर लोथल सिचुएटेड था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था क्योंकि यहाँ पे शेल्स स्टोन के ऑब्जेक्ट्स बनते थे देवर स्टोर हाउस इन द सिटी फायर ऑल्टर्स भी यहां पे फाउंड आउट होते थे ठीक है तो ये आपको याद करना है डिस्क्राइब द पीपल ऑफ़ हरप्पन सिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ के पीपल कैसे होते थे तो हमने पीपल देखे दे व प्लैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स ठीक है इन द सिटी दे व प्रॉबली सेंट पीपल ऑफ डिस्टेंट लैंड टू गेट रॉ मटीरियल दे कैप द मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट फॉर सो बेसिकली कुछ लोग होते थे जो ट्रैवल करते थे कुछ लोग होते थे जो एक जगह से यानी कि हरप्पन सिटीज से दूसरी जगह जाते थे और सिर्फ सामान लेकर आते थे इंपॉर्टेंट वाला कुछ लोग होते थे स्क्राइब्स जिनको लिखना आता था और वो सील्स बनाते थे ठीक है इसके अलावा क्राफ्ट पीपल बहुत होते थे इसके अंदर से ही कुछ कैटेगरी आती थी स्पेशलिस्ट की जो स्पेशलिस्ट वाला काम करते थे ठीक है और क्राफ्ट पर्सन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सारा अलग अलग क्राफ्ट करते थे ठीक है ऑर्नामेंट्स बनाते थे इसके अलावा वो क्लोथ बनाते थे इसके अलावा बड़े वेसल्स बनाते और ब्लैक डिजाइन से पॉट भी बनाते थे नेक्स्ट वी हैव फार्मर्स एंड हर्डर्स डेफिनेटली हु लिव आउटसाइड द सिटी एंड प्रोवाइडेड फूड टू द पीपल तो फूड प्रोवाइड करते थे ठीक है Next. राइट अ शॉर्ट नॉट ऑन फार्मिंग मेथड्स एंड रेयरिंग डन बाय हर फार्मर्स एंड होल्डर्स तो हर क्या ग्रू करते थे हर फार्मिंग करते थे वीट की बार्ले की पल्सेस की राइस की सीसम की सीड की और मस्टर्ड की इन सब की वो खेती करते थे ये सबको वो ग्रो करते थे अ न्यू टूल कॉल प्लो इस टाइम पे एक नया टूल आ गया था प्लो जिससे वो यूज़ करते थे अर्थ को आ, क्या कहते थे फाइन करते थे और प्लांटिंग करते थे सीड की ड्यू टू तो लिटल रेनफॉल वो एक मेथड यूज करते थे इरीगेशन का और ये यूज किया जाता था अब रेयर किसको करते थे अपने साथ किसको रखते थे और जो कि वो उनके लिए मदद करे वो कैटल को शीप को गोट को बफ़लो को अपने साथ रखते थे वाटर एंड पैस्चर्स वर प्रेजेंट अराउंड मेनी साइट्स ताकि वो इनको फीड कर सके पीपल ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स जैसे कि बेर 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 खाते थे फिश को हंट करते थे और वाइल्ड एनिमल्स को भी हंट करते थे ये सब वो खाते थे और ये सब वो क्या करते थे काम करते थे इन सब चीज़ों का वट कुड हैव बीन द पॉसिबल रीजन बिहाइंड द एंड ऑफ हराप्पन सिविलाइजेशन अब देखो क्या है कि हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ बट क्लियर कुछ नहीं है कि ये लोग कहाँ चले गए या फिर इनके साथ क्या हुआ सो द हराप्पन सिविलाइजेशन सडनली सीम टू हैव स्टार्टेड टू एंड अराउंड थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड ईयर्स अगो तो ऐसा लगभग लगता है कि जैसे स्टार्ट हुई तो कुछ ही दिनों के बाद वो ख़त्म भी हो गई पीपल स्टार्ट लिविंग इन मैनी सिटीज देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने रहना ही छोड़ दिया राइटिंग सील्स एंड वेट्स बिकम एक्सटेंट ये बिल्कुल दिखने ही बंद हो गए रॉ मटेरियल्स वर नाउ रेली इंपोर्टेड अब वो इम्पोर्ट होना बंद हो गए स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि इसलिए हुआ होगा कि ड्राइंग ऑफ रिवर्स की हो सकता है कि रिवर्स ही ड्राई हो गए सम समादर्स हैव एक्सप्लेन इट विद डीफॉरेस्टेशन हो सकता है कि वो इतना डिफॉरेस्टेशन हो गए उन्होंने इतना पेड़ काट दिया बिकॉज वहाँ पर ना जानवर बचे ना हरियाली और ना ही पेड़ पौधे उसके बाद इन सम एरियाज दे वर फ्लड्स और हो सकता है कि कुछ एरिया में फ्लड भी आ सकता है यानी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई इसी चक्कर में वो यहाँ से चले गए रूलर्स माइट ऑल्सो हैव लॉस कंट्रोल देखा गया कि हो सकता है कि रूलर्स ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया हो तो ये अनुमान लगा सकते हैं पीपल बैंड साइड इन सिंध एंड पंजाब एंड मूव टू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ तो वो सिंध और पंजाब को छोड़ के साउथ तो और ईस्ट की तरफ चले गए तो ये पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं ऑल राइट बब बाई चिल्ड्रेन यू नेक्स्ट टाइम विद दिस वी हैव कमीटेड आर चैप्टर In one shot with lots and lots of question answers. Bye bye. See you next time.